2014 में जवाब आई ना पूरा तय सेमेस्टर उस टाइम साथ मकान पे गए हमारे उसमें सीतापुर में हमारे घर वालों ने उनकी मदद बहुत करी जिनके घर भागे वो लड़कियों की जवान लड़की थी शादी करी उनकी बहुत मदद करी मकान बनाने के लिए सहयोग किया हमारे घर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है यहाँ पे कोई ज्यादा कोई किसी को पूछता तक नहीं तो इस बीच दो अमर उजाला ने यहाँ पर काम करवाया हमारे लिए खास करके बच्चों के लिए करवाया एक नई रास्ता मिली है कि मतलब अगर रोजगार के लिए ये गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा 10 महिला या 19 महिलाओं में से कम 3-4 महिलाएं ये है कि अपना रोजगार बन गया है थोड़ा हम लोगों का थोड़ा अपना वो हो जाता है लेडीज लोगों का अपना खर्चा पानी मतलब मर्दों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि हमें दो आपदाओं और मुश्किलों को झेल रहे उत्तराखंड की बांदल घाटी के गांव में विकास और उन्हें सवारने के लिए अमर उजाला फाउंडेशन की कोशिशें रंग ला रही हैं। इस विकास यात्रा में हैस को मददगार बना है गांव के लोगों की जिंदगी आसान बनाने स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर शुरू हुई पहल से चेहरों पर मुस्कान आई है बांदल घाटी के 8 गांव की बदली तस्वीर इस बात का सबूत है कि ग्रामीणों को साथ लेकर उनकी तरक्की का मॉडल कैसे तैयार किया जाता है जैसे एक के उस आजकल इतनी महंगाई के उसमें तो एक के कमाई से नहीं होता तो दोनों जैसे कुछ खेती हो जाए कुछ आदमी कमा के ले आए तो उसी में बच्चों की हर जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं गांव के विकास की चाबी महिलाओं के हाथ सौंपने की शुरुआत महिला स्वयं सहायता समूह के बनने से शुरू हुई महिलाएं जितना पैसा बचत से समूह में जमा करती उसका 2 गुना अमर उजाला फाउंडेशन जमा करता हमारा समूह जो बना है उसमें हम अपने जो हमारी बचत होती है महीने की उसे जमा करते हैं और जो किसी भी महिला को ज़रूरत पड़ने पे उसे 1% ब्याज पे देते हैं और वो अपने अधिकार से उस उन पैसे को मांग सकती है और सशक्त हुई है जैसे कहते हैं महिला सशक्त हुई है महिला मंगल दल की ये महिलाएं जो पहले घूंघट में देहरी के पीछे थी समूह बनते ही आगे आकर आमदनी का खाका खींचने लगी जैसे पैसों को ये है कि पहले मांगना पड़ता था कोई नहीं देता था अब तो ये है कि चलो अपने पैसे महिला इकट्ठी हुई है निकालो और सारा काम वो हो जाता है कम ब्याज पर समूह से लोन लेकर किसी ने घर बनवाया तो किसी ने भैंस और बकरियां खरीदी बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक सब आसान हुआ ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने और सहयोग की परंपरा को मजबूत करने में श्रीदान उत्सव का भी बड़ा योगदान रहा उसमें कुछ ग्रामीणों को 1 बकरी और 1 बच्चा इस शर्त के साथ दान दिया गया कि बकरी का पहला बच्चा किसी दूसरे ग्रामीण को दान करेंगे इसके बाद वो ऐसे ही आगे दान करेगा ये सिलसिला यूं ही चल रहा है जब सबसे पहले हमें बकरी दी थी तो हमें 1 बकरी और उसका बच्चा दिया था फिर उसके बाद हमने 1 बकरी और 1 बच्चा फिर 2 साल बाद हमारा एक बड़ा श्रीदान उत्सव के नाम से हमने मनाया जिसमें हमने वो बकरी और बच्चा दूसरे समूह को दिया दूसरी मतलब उसके उसमें दूसरे समूह को दिया श्रीदान की परंपरा से आमदनी तो बढ़ी ही रिश्तों की जमा पूंजी भी मजबूत हुई तरक्की का खाका हर तरफ से खींचने के प्रयास हुए पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे किसानों को किसान बैंक बनाकर तकनीकी ज्ञान फल और सब्जियों के बीज दिए गए ग्रामीणों ने उन्नत बीज संरक्षित भी करने शुरू किए मशरूम की खेती मधुमक्खी पालन मुर्गी पालन और वर्मी कंपोस्ट के साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया गया आज हर गांव की एक अलग पहचान है जैसे धंतुसेरा बकरी गाँव ताछीला शहद गाँव सिल्लासेरा जैविक गाँव
और फुलेत सब्जी गांव के तौर पर जाने जाते हैं। बीन्स, आलू, मटर, मूली और अदरक, ज्यादातर यहाँ पे सब्जियां होती हैं, इसलिए इसका नाम सब्जी गांव पड़ा। महिलाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई, जो रोजमर्रा का सामान ये महिलाएं तैयार करती, उसे बेचने के लिए सड़क किनारे मिल मॉल में रखा गया। यहाँ से पर्यटक और राहगीर खरीदते हैं। ये सर हमारे गांव में महिलाएं बनाती है, हैस्को और अमरोजाला फाउंडेशन के माध्यम से। तो महिलाएं घर में ये अचार और जैसे जूस वगैरह और पापड़ वगैरह और चिप्स वगैरह भी बनाती हैं, तो उनके माध्यम से मुझे यहाँ ग्राट में, मैं यहाँ पे सेल भी करता हूँ और उनकी भी रोजगार चल जाता है, मेरा भी सर इसमें जो है परिवार का गुजर बसर हो जाता है। युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद का नमूना भर है ये घराट। वर्षों से बंद पड़े इस घराट को चालू कराया गया। यहाँ आटा, चावल और मसालों की पिसाई होती है, जिसे मिल मॉल में बेचा जाता है। ऐसे ही वर्षों से बंद पड़े कई दूसरे घराटों को भी चालू कराया गया। पहाड़ों की विरासत को संजोए ये घराट आज कमाई का जरिया भी बन रहे हैं। जो सर बिजली वाली चक्की है वो तो बहुत उसमें घूमती है, उसके राउंड ज्यादा होते हैं और उसमें जो है आटा जो है सर वो जो उसकी विटामिन है वो जल के खत्म हो जाती है। और जो घराट है ये पानी से चलता है सर, इसमें कोई बिजली का प्रयोग नहीं होता। इसमें जो आटा है बहुत ठंडा और बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट निकलता है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने, सिलाई कढ़ाई का हुनर सिखाने के लिए गाँव में सिलाई केंद्र शुरू किए गए, जो उनके लिए सुनहरा अवसर था। ये सिलाई में तो पहले से हमें इंटरेस्ट है, तो जो अमर उजाला फाउंडेशन से हमें जो मशीनें मिली है उससे हम लोग सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, अपनी मतलब अपने जो पैसे इनकम वगैरह भी होती है हमारी, अपनी घर खर्च वगैरह जो भी होता है वो हम लोग इसी मशीन से निकाल सकते हैं। लड़कियां सिलाई सीख कर अपने कपड़े सिलने के साथ ही गांव में ही रोजगार का साधन भी जुटा पाई। किसी ने दुकान खोली तो कोई घर से ही काम करने लगा। अमर उजाला फाउंडेशन के सेंटर में मैंने सिलाई सीखी, उसमें हमें दो मशीनें मिली है, इसके आधार पर मेरा काम अच्छा चल रहा है। 10 महिला या 19 महिलाओं में से कम 3-4 महिलाएं ये है कि अपना रोजगार बन गया है, सिलाई सीख रही, अपना घर का काम भी कर रही और सिलाई भी कर रही है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी और युवाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर भी खोले गए। पढ़ाई लिखाई में युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद भी की गई। सबसे पहले उन्होंने कंपटीशन द्वारा हमारे अंदर जो एक प्रेरणा जागृत हुई, जिसके कारण कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी शहर के बच्चों से, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कम नहीं है, वो तो हमारे अंदर बहुत प्रेरणा आई उससे। गाँव के लोगों को हुनरमंद बनाने के साथ ही तकनीक से उनकी जिंदगी आसान बनाने की भी कोशिशें हुई। कम ईंधन से अधिक पानी गर्म करने वाले गीजर और दक्ष चूल्हे भी बांटे गए और पानी की टंकियां लगाई गईं। जानवरों के लिए चारा काटने की मशीनें लगने से लोगों की जिंदगी भी आसान हुई। हर रोज चारा लाने का झंझट तो खत्म हुआ ही, पशुओं ने दूध भी ज्यादा देना शुरू किया। थोड़ा बहुत जैसे घी बेच लिया, दूध बेच लिया, कहीं आए गए कोई मतलब बच्चों को फीस दे दी कुछ, तो अपने तरफ से हम वो कर लेते हैं अपना खर्चा पानी। पहले महिलाएं सिर्फ अपने घर तक सीमित थी, अपनी घर में काम करना, अपने पशुओं को देखना और अपने बच्चों को उसमें वो करना। अब महिलाएं आगे आई हैं और महिलाएं खुद से उन लोगों का महीने में एक दिन तय है कि हम लोग उस दिन बैठेंगे, उस दिन उनकी मीटिंग होती है, उस दिन वो आपस में एक दूसरे के से मतलब सुख दुख बाँटने से लेके किस तरीके से उनकी आय बढ़ सके इस पर चर्चा करते हैं। अमर उजाला हैस्को कि जो ये करीब 7-6 साल का जो एक संपर्क और संबंध बना, ये मोटे मोटे रूप में कोई इसकी इस तरह से इसको डिफाइन नहीं किया गया कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि सवाल एक ही था। सवाल ये था कि गांव को अगर सब कुछ चाहिए तो सभी कुछ सोचना पड़ेगा। साल 2013 की प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए लोगों तक सबसे पहले मदद पहुंचाते हुए उन्हें आश्रय देने की शुरुआत हुई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के 23 गांव में भूकंप रोधी अस्थायी आवासों का निर्माण कराया गया। लाभार्थियों ने अपना घर बनाने में जो काम किया उसके लिए उन्हें पैसे भी दिए गए। इन आवासों के बनाने में स्थानीय सामग्री का भी इस्तेमाल किया गया।
बाढ़ में गांव कटने या आने जाने का सीधा रास्ता न होने से ग्रामीणों और बच्चों को हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। परेशानियां झेल रहे ग्रामीणों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अमर उजाला फाउंडेशन ने कई गांव में स्टील के पुल भी बनवाए। इससे हर रोज खतरनाक रास्तों पर गुजरने वालों की राह आसान हो गई। डीआरडीओ की तकनीक से युवा इंजीनियरों ने गांव की किस्मत को जोड़ने वाले इन पुलों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। पुलों को बनाने में ग्रामीणों को भी काम मिला और सहयोग और अपनत्व की भावना के साथ इन्होंने इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाई। गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती किसानी कौशल विकास और उद्यमिता के प्रयासों के साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया गया। इसमें अमर उजाला फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही योजनाओं के माध्यम से लोन दिलाने में मदद की। एक बार योजनाओं की जानकारी होने और लाभ मिलने से लोगों ने खुद से आगे आना शुरू कर दिया। मनोरंजन के साथ ही गांव के लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने में बांदल उत्सव ने भी बड़ी भूमिका निभाई। बच्चों में पेंटिंग प्रतियोगिता, महिलाओं में कुकिंग कंपटीशन, तरह तरह के आयोजनों से रंग भरने की कोशिशें हुई। व्यंजन प्रतियोगिता कराने का असर ये रहा कि पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों से युवा पीढ़ी को जोड़ने के भी प्रयास हुए। उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी भी निकल के आई कि किस तरह से एक फाउंडेशन, अमर उजाला जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड का फाउंडेशन, किस तरह से एक सामाजिक संगठन के साथ जुड़कर गांव की सेवा में जुट सकता है। तो ये भी अपने आप में एक प्रयोग है, क्योंकि जहां अमर उजाला फाउंडेशन दो दायित्व तो निभा रहा है कि सहायता दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसको जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो लोगों को बांटने का रास्ता, उनका अखबार भी बन रहा है। ग्रामीणों को साथ लेकर विकास की नींव रखने के अमर उजाला फाउंडेशन के इस प्रयास से बांदल घाटी के इन गांवों में खुशियों ने दस्तक दी। आत्मनिर्भर बनने के साथ ही आज ये ग्रामीण अपने जीवन को खुद सवार रहे हैं और इनकी इस विकास यात्रा में हर कदम साथ है अमर उजाला फाउंडेशन।